ये एक साल की कोशिश थी जिसमें मेरे गांव के 20 स्कूली बच्चों को उनके घरों के आसपास पाए जाने वाले जैव विविधता से रूबरू करवाया गया। पूरा एक साल उन्होंने अपने गांव की जैव विविधता को कैमरे की मदद से डॉक्यूमेंट किया। पहाड़ और जंगलों से घिरा होने के कारण गांव में बहुत ही जैव विविधता है। ये इस जगह के लिए अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट था जिसमें बच्चों ने अपने गांव में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में ना सिर्फ जाना बल्कि खोजबीन करके खुद उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की। अपने गांव की लगभग 800 से ज्यादा प्रजातियों को अभी तक हम डॉक्यूमेंट कर पाए। छोटे छोटे कीड़ों से लेके पक्षी, पेड़ों, मशरूम, इन सभी को बच्चों ने अपनी आंखों से देखा। वो क्या खाते हैं, कैसे घर बनाते हैं, कैसे अपना बचाव करते हैं, उनके होने से क्या होता है, ये सब उन्होंने जाना। साथ ही हमारी प्रजाति की वजह से इन सभी पे क्या असर हो रहा है, ये सब भी इन बच्चों ने अनुभव किया। इस प्रोजेक्ट में बच्चों को मशरूम और पक्षियों पे काम करने वाले एक्सपर्ट से मिलने का मौका मिला। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से कैसे जानकारी को लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, ये सब भी करने का मौका मिला। बच्चों ने इस एक साल में अपना खुद का नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम भी बनाया और उसकी अहमियत को भी समझा। बच्चे पहले छोटे छोटे कीड़ों को देखते ही मार दिया करते थे, लेकिन अब उनमें बहुत ज्यादा बदलाव आया है। मुझे लगता है ये अनुभव इन बच्चों के साथ काफी समय तक रहेगा और उम्मीद है जब ये खुद मेरी उम्र तक पहुंचेंगे तो शायद कुदरत को और ज्यादा जान पाएं और उसका ध्यान रखने की तरफ जरूरी कदम उठाएं।